जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामय शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के इंडेक्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आज हम लोग पेज 218 के क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चंस को देखें और उसका सलूशन भी देखें। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाई डज द कार्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर आकर के कनेक्ट हुआ होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है वह वायर भी सीरीज में कनेक्ट होता है। देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, इसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर होता है और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक हीटर में जो अंदर एलिमेंट लगाया गया होता है जिसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हीटिंग एलिमेंट के अंदर वही करंट जाती है जो बाहर से करंट भेजा जाता है। तो बाहर से जो करंट भेजा जाता है तो वह वायर हीट नहीं होता है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट हीट हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्ड होता है, या ऐसे कह लीजिए कि जिस वायर से इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर करंट फ्लो होती है, वह वायर और जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात आप ये भी समझ लें कि जिस वायर से करंट जाती है वह प्योर मेटल होता है और जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट एलवाय होता है और एलवाय का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो वायर होता है वो हीट नहीं होता है और हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो हीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। देखें, यहाँ चार्ज दिया हुआ है क्यू और ये दिया हुआ है 96,000 ऑफ कूलम, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। 1 आवर यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, यच की जो वैल्यू दी गई है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो अब देखें, आपसे पूछा ये जा रहा है कि 1 आवर थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट का, तो 50 वोल्ट का। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना हीट जनरेट होगा, हीट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखें, एक काम करते हैं, सबसे पहले टी जो है आवर में दिया हुआ है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और फिर मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3600 सेकंड। ये टाइम हो गया।
और आपसे यच की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखें, यच इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई इंटू टी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड करें, तो देखें आपको ये भी मालूम है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब I रेट ऑफ, आपको मालूम है कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब I की जगह पे हम रख देंगे यहाँ क्यू बाई टी। H इज इक्वल टू वी I के जगह पे Q by T into T, तो फिर T से T कैंसिल हो जाएगा। H is equal to V into Q। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू दी गई है 50 और Q की जो वैल्यू है ये दिया गया है 96,000। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 48 और फिर यानी और फिर यहाँ पर देखें 1 2 3 4 फोर ज़ीरो हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये जूल में आएगा, ये हीट की जो वैल्यू है ये इतनी जूल होगी। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, साइंस का ये रूल होता है कि साइंस में नंबर को इतना लार्ज नहीं लिखते हैं, डेसिमल के पहले 1 डिजिट रखा जाता है। तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट लाने के लिए देखें डेसिमल यहाँ लाना है, तो अगर डेसिमल हम यहाँ लाएंगे तो देखेंगे कितने डिजिट हो रहा है इसके बाद। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी अब इसको हम लिखेंगे तो लिख देंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कंप्यूट द हीट जनरेटेड, तो जनरेटेड हीट जो होगा ये 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है आर, आर की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 20 ओम। टेक्स द करंट ऑफ 5 एम्पियर, यहाँ जो करंट लिया जाता है यह 5 एम्पियर दिया हुआ है, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना हीट डेवलप होगा और इन 30 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 30 सेकंड में कितना हीट डेवलप होगा। तो हीट के लिए ये भी आप, ये फार्मूला हमने देखा था कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जब हम फार्मूलों का डेरिवेशन कराए थे तो ये भी फार्मूला हमने आपको बताया था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो H इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 5 स्क्वायर और रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू है 20 और T की जो वैल्यू है वो 30 है। अब H इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 30। तो H इज इक्वल टू, ज़रा देखें क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू 2 करेंगे 50 और 50 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और फिर 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हिट है तो 15,000 जूल हो जाएगा। और अब जो है इसको डेसिमल के पहले 1 डिजिट हम रखेंगे, तो इसके लिए देखिए डेसिमल यहाँ रखेंगे तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर, ये पेज 218 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे
पेज 220 के क्वेश्चन। तो देखें 220 के क्वेश्चंस क्या हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच इनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। तो आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक पावर की डिफिनीशन होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच इनर्जी इज डेवलप्ड बाय ए करंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। कोई इलेक्ट्रिक मोटर है जो 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। तो करंट आई, देखिए करंट आई की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। वी की जो वैल्यू है ये 220 वोल्ट लाइन। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द इनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। 2 आवर में ये टाइम दिया हुआ है, 2 आवर में जो इनर्जी कंज्यूम्ड होगी इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि टोटल पावर क्या है। तो टोटल पावर आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट इज इक्वल टू पावर। वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो पावर के इक्वल होता है। तो अब देखें वी की जो वैल्यू है 220 और आई की जो वैल्यू है वो 5, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 × 10 हो गया और फिर 5 × 10 11 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 10, यानी ये हो जाएगा आपका 1100 वाट। लेकिन एक काम करते हैं, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि कंज्यूम्ड इनर्जी हमको फाइंड करना है। तो कंज्यूम्ड इनर्जी जो होती है वो किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो वाट है, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं और वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100/1000। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1.1 किलोवाट हो जाएगा। तो ये पावर हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टोटल कंज्यूम्ड इनर्जी। तो टोटल कंज्यूम्ड इनर्जी को अगर हम ई से रिप्रेजेंट करें तो पी इंटू टी करेंगे तो ये किलोवाट आवर में निकल जाएगा। तो देखें पी की वैल्यू है 1.1 और टी की वैल्यू है 2 आवर, मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। यानी जो कंज्यूम्ड इनर्जी होगी इन 2 आवर में यह 2.2 किलोवाट आवर के इक्वल होगी। अब हम आपको एक्सरसाइज भी बता देते हैं इस चैप्टर का, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहा जा रहा है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखें ए पीस ऑफ वायर, वायर का कोई पीस है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, इसका रेजिस्टेंस आर है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। टोटल रेजिस्टेंस इसका आर है और इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया है। अब जरा देखें 5 इक्वल पार्ट में अगर हम कट कर देंगे, जिनके 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस आर है
जब 5 पार्ट में इसको कट कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी इसका रेजिस्टेंस R/5, इसका भी रेजिस्टेंस R/5, ये R/5 सब हो जाएंगे R/5। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये जो 5 पार्ट्स कट किए गए हैं इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो फार्मूला आपको मालूम है ना, 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 एंड सो ऑन होता है। तो अब देखें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का वो आर डैश है, 1/R-, तो आपसे कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ R/R- इज। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल ऑप्शन है, बस ऑप्शन में बता देना है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम होगा कि राइट आंसर कौन है, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। तो इसके लिए इसका सलूशन आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। 1/R1 की वैल्यू है R/5 प्लस 1/ ये हो जाएगा R/5 प्लस 1/R/5 प्लस ये हो जाएगा 1/R/5 प्लस 1/R/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट होके ऊपर चला जाएगा, 1/R=5/R+5/R+5/R+ ये हो जाएगा 5/R+5/R। तो 1/R=, सबको ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो गया 25/R। तो R का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे R/R=25 हो गया। आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि R/R की वैल्यू क्या होगी, तो देखें इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन है 25, तो इसका जो डी ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आपको मालूम है P=, होता है V×I। तो अब एक तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला ये है, दूसरा V=I×R अगर हम यहाँ रख दें तो फिर क्या हो जाएगा, P=V के जगह पे हम कर देते हैं I×R×I, यानी ये P=I²R। एक फार्मूला ये होता है, और फिर अगर ओम्स ला का यूज़ करते हैं I=V/R, तो देखें यहाँ पे रखते हैं I के जगह पे V/R पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा V²/R²×R। तो R से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, P=V²/R। तो देखें इलेक्ट्रिक पावर के लिए ये 3 फार्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखना है ऑप्शन क्या दिया है, तो फर्स्ट दिया हुआ है I²R, तो I²R तो होता है पावर। सेकंड दिया हुआ है IR², देखिए कहीं पर IR² नहीं है। अब फिर जो है V×I ये है, और फिर V²/R है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो बी है वो राइट ऑप्शन है आपका, ठीक ना, यानी यही फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर रेटेड यानी उस पर दिया हुआ है इसका वोल्टेज वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड 100 वाट, उसका पावर सो दिया हुआ है यह 100 वाट दिया हुआ है। ये देखें आप बल्ब वगैरह जब आप खरीदेंगे ना तो उस पर ये छपा होता है, यहाँ से उस बल्ब का रेजिस्टेंस आपको मालूम होता है। अब देखें आगे क्या दिया हुआ है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पावर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब का रेजिस्टेंस निकालें, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको मालूम है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और यहाँ से आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वी और पी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखें वी की वैल्यू 220 है, ये 220 का स्क्वायर अपॉन पी की वैल्यू 100 है। अब 220 का स्क्वायर करेंगे 220 into 220 अपॉन हो गया ये 100, तो अब जो है 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 22 into 22 मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 484 ओम। तो जहाँ से बल्ब का रेजिस्टेंस निकला, यहाँ पर बल्ब पर ये हमेशा माइंड रखे रहिएगा कि बल्ब पर जो प्रिंट होता है जो रेटेड होता है वहाँ से रेजिस्टेंस आपको फाइंड होता है। अब जब उसको 110 वोल्ट दिया जा रहा है तो वहाँ पावर पूछा जा रहा है, पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू, या आप जो है इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी फार्मूले का यूज कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 110 है, तो 110 का स्क्वायर करेंगे 110 इंटू 110 अपॉन आर की जो वैल्यू है, देखिए आर की वैल्यू को अलग अलग हम करके लिख लेते हैं, यहाँ 22 इंटू 22 कर लेते हैं, और फिर देखें इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें तो ये जो दोनों जीरो हैं दोनों जीरो को अलग अलग कर लें तो इसको 11 इंटू 10 और फिर 110 को 11 इंटू 10 कर देंगे और ये 22 इंटू 22 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 टू सा 22, फिर ये 11 टू सा 22 हो जाएगा, और फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो 5, इस 2 से इसको कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 इंटू 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 वाट हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर कंज्यूम्ड होगा, तो ये 25 वाट होगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।